देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वक्त था जब चाय वाले थे, और आज भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अपने चाय वाले प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आतुर हैं। और आप देख सकते हैं नगर अध्यक्ष श्री कैलाश शर्मा और प्रदेश प्रवक्ता श्री उमेश शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज है यहाँ पर। वो खुद चाय बना रहे हैं, कार्यकर्ताओं को चाय पिला रहे हैं और जनता से आग्रह अनुग्रह कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री जी की सभा को सुनने के लिए आए, स्वच्छ भारत के स्वच्छ शहर में उनका पैगाम सुनने के लिए आए। हमारे साथ नगर अध्यक्ष जी हैं। नगर अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे? आप खुद चाय बना रहे हैं, पिला रहे हैं, जनता से क्या गुहार है, क्या पैगाम? चाय भारत में एक ऐसा पेय है जो आदमी को चुस्त और दुरुस्त रखती है, चुस्ती फुर्ती रखती है, और आज पूरा इंदौर स्फूर्त है क्योंकि माननीय मोदी जी आ रहे हैं और मोदी जी की पसंद भी चाय है, तो हम जनता को चाय पिला रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। तो चुनावी चुस्की है और चुनावी बात है, कहा यह भी जा सकता है कि चाय की चुस्की के साथ चुनाव की बात नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे साथ प्रवक्ता हैं जो कि वाक चातुर्यता में महारत हासिल रखते हैं, श्री उमेश शर्मा जी। सीधे उनसे बात करते हैं। उमेश जी, क्या लगता है ये जो आपकी चाय की चुस्की है, क्या ये चुनावी चुस्की है? और प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए आप जो जनता को चाय पिला रहे हैं, क्या पैगाम दे? नहीं, ये चुनाव की चुस्की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की हमारी माननीय नगर अध्यक्ष जी की चाहत की चुस्की है। और माननीय नगर अध्यक्ष जी चाय की चम्मच के बहाने चाहत का पैगाम दे रहे हैं। आज मुझे लग रहा है कि इंदौर शहर का कम से कम 1 लाख से अधिक नागरिक जो है वो प्रधानमंत्री को सुनने आने वाला है, और उसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की महानगर इकाई ने अपने नगर अध्यक्ष माननीय कैलाश शर्मा जी के नेतृत्व में पिछले 15 दिनों से अथक परिश्रम करा है। तो मुझे लग रहा है कि जो आज माननीय कैलाश शर्मा जी चाय पिला रहे हैं, इसमें जो मिठास घुली है, ये भारतीय जनता पार्टी के परिवार की मिठास है। चलिए, आखिरी में क्या उम्मीद है आप सभी लोगों को, प्रधानमंत्री जी क्या संदेश दे के जाएंगे? क्योंकि चुनावी साल है, उनके इस भाषण पर जनता की तो निगाह है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता भी चाहते हैं कि चुनावी साल में वो जोश भरकर जाएं, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो हमेशा से अपेक्षा रही संगठन रहा है। हम अपने अभिभावक से कभी कोई अपेक्षा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बगैर मांगे भी वो केवल हम लोगों को नहीं, इंदौर के नहीं, मध्य प्रदेश के नहीं, पूरे देश भर को कुछ ना कुछ बगैर मांगे दे जाते हैं। तो हम सब लोग तो अपेक्षा रहित और कामना रहित संगठन के कार्यकर्ता हैं, और हमारे अभिभावक है वो निश्चित रूप से इंदौर शहर को भरपूर आशीर्वाद दे के जाएंगे। क्या आखिरी में संदेश देना चाहेंगे? आपने चाय मुझे भी पिलाई है, क्या खास पैगाम आप देना? भारत नंबर वन, भारत विश्वगुरु बनेगा मोदी जी के नेतृत्व में, और वो जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं वो पूरे भारत का गौरव विश्व के अंदर ऊंचा हुआ है। एक आनंद आता है सुनकर, उन्हें तो देखकर ही आनंद आ जाता है, मोदी जी को देव पुरुष हैं। और भारत में जो विकास किया है वो विशेष करके इंदौर में जो ताई जी के नेतृत्व के अंदर केंद्र की सरकार से सहयोग मिला है, अद्भुत विकास है। पूरे भारत के अंदर 100 शहर तो उन्होंने स्मार्ट बने ही दिए हैं, वो भारत का कोना कोना संपूर्ण विकास की तरफ रहेगा। उन्होंने जो विकास का जो महासंदेश दिया, हमें उस पर पूरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष श्री कैलाश शर्मा जी, जो कि यहाँ पर चाय की चुस्कियाँ भी ले रहे हैं, जनता जनार्दन को चाय भी पिला रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी चुनावी साल में नंबर वन भाषण देकर जाएं, ऐसी उम्मीदें भी लगा रहे हैं। बहरहाल, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से फिलहाल कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP News इंदौर।